चेंज मार रिएक्शन कोई हेलो गाइस, आज मैं आ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं लेकर आया काफी एक इंटरेस्टिंग सी और काफी एक यूजेबल और काफी एक मतलब कॉमन सी चीज लेकर आया जो कि एक स्विच सॉकेट है जो कि काफी एक मजेदार सॉकेट है। इसमें बातें बाद में करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ इस वीडियो में होने क्या वाला है। जो सॉकेट है पहले तो हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो ये 3 प्लग वाला सॉकेट है, यूके का 3 प्लग वाला सॉकेट है ये, जो कि इसमें ये वाले चार्जर लगते हैं, कुछ भी इस तरह का स्विच लगता है, और हम लोग इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस तरह के सॉकेट जो होते हैं, जो 2 प्लग वाले सॉकेट होते हैं, जो 3 प्लग वाले सॉकेट होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद 3 प्लग वाले सॉकेट का 3 प्लग से डिफरेंस आपको दिखाऊंगा कि दोनों किस तरह की क्वालिटी आप लोगों को लेनी चाहिए, किस तरह की क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी होती है, किस तरह की नहीं होती अच्छी क्वालिटी। और तीसरे में हम इसकी वाटर सिस्टम्स की बात करेंगे कि ये वाटर प्रूफ है भी सही है कि नहीं, और इसमें कैसे इसकी मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा कि वाटर प्रूफ के मामले में किस तरह का एक समझा जाता है और किस तरह का ये है। और चौथा हम इसमें कुछ और भी करने वाले हैं कि ये कैसे बेटर है या बेटर नहीं है 2 प्लग वाले से, वो भी एक चीज़ इसमें आएगी। तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग सी होने वाली है, तो देख रही इसी वीडियो में, मिलता हूँ आपको मैं इसी वीडियो में। यह सबसे पहले इसके ऊपर जो चॉपर चढ़ा हुआ है उसको मैं उतारने लगा हूँ। ये बस ये इसका सॉकेट, इसका आप देखें इसका कलर ना वाइट है, बिल्कुल फुल प्लेन वाइट इसका कलर है। ये चेक करें आप, काफ़ी ना मतलब एक वो ग्लासी सा लुक है इसका, काफ़ी मजे का लुक है। इसके स्विच को ऑन करता हूँ आपको आवाज़ आएगी, उसके ऊपर रेड वाला भी ऑन का लिखा हुआ है, बल्कि रेड नहीं अब आ रहा है, इसके ऊपर अब ऑन का लिखा हुआ है ये भी। और पीछे इसका देखा जाए तो पीछे इसका ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर टाइप है जिसमें आपने वायर वगैरह लगानी है। यहाँ पे 2 वायर्स लगेंगी, एक यहाँ पे करंट वाली हुई चल पड़ेगा, वो आप कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसकी मैं बात करता हूँ पहले, तो इसमें आप देख रहे हैं 3 प्लग वाला ये चार्जर है, इसको मैं अगर लगाता हूँ तो एक काफ़ी ना आराम से लग गया, और इसकी अगर मैं इसको हिलाने की बात करता हूँ तो ये हिलने वाला नहीं है। इसको मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ना स्ट्रॉन्ग लगे था, अगर इसकी दूसरी बात करें तो इसमें लगेगा ही नहीं, और ये कैसे लग सकता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। हमें इसके लिए थोड़ी सी पेंसिल टाइप कोई चीज़ चाहिए होनी है, कोई देना पेंसिल टाइप, हाँ जी जी पेंसिल टाइप कोई चीज़ चाहिए होनी है। इसके ऊपर से ना इसको प्रेस करना पड़ना हमें, ये वाली चीज़ को, इसके अंदर ना थोड़ी सी ये चीज़ है प्लास्टिक टाइप सी इसको कह सकते हैं, इसको प्रेस करके फिर मैं इसको अंदर को सवा के दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पाकिस्तानियों का जुगाड़ है, वैसे 3 प्लग वाला ये है सॉकेट, ये देखिए अंदर लग गया इसमें, ये देखिए ये चला गया। तो इसमें 3 प्लग वाला भी लग गया था, और 2 प्लग वाला हम ज़बरदस्ती लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी है, इसमें लग गया दोनों को डाल करके चलेगा आपके। इसमें स्विच में तो पीछे वायर नहीं लगी हुई, तो ऐसे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या सीन है। तो अभी मैं हम ना जो 2 और 3 का कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा उस मामले में। यार इसकी अगर देखा जाए ना, इसकी 2 प्लग वाला चार्जर है और ये जो है 3 प्लग वाला है, तो इसमें काफ़ी ना ये तो आराम से आपको पता है, इसकी मैं ग्रिप की अगर बात करूँ तो ये बिल्कुल नहीं हिलता है। अगर 2 प्लग वाले की बात करें तो इसमें अगर ये ग्रिप है इसकी, ये देखिए इसका लगा लिया हमने, तो इसमें आराम से ऐसे ऐसे हिल रहा है, ये चेक करें ज़रा, ये इसमें चीज़ नहीं है। और यही अगर हम लोग इसमें लगाते हैं ना, फिर ये भी नहीं हिलेगा, ये ना एक दोनों की इंटरेस्टिंग चीज़। अगर इसको मैंने इसमें लगाया था तब जब इस तरह लगाता हूँ, फिर ये भी ना बिल्कुल नहीं हिलता है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस देखिए। और इसमें सेफ्टी की अगर बात करें तो हमें सेफ्टी माइनस से मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं आपको सॉकेट वाली दूसरे चार्जर वाली दिखाता हूँ, तो ये देखें ज़रा, आपको ये वाला मैं चार्जर दिखाता हूँ जहाँ से एक्सटेंशन मेन लगा हुआ है। तो इसकी बात करें ना, ये लगा तो हुआ है लेकिन ये बिल्कुल लूज टाइप सा है, सेकंड ग्रुप मतलब कि 2 प्लग वाला, लेकिन ये बिल्कुल लूज है, ये देखें मतलब ये हिलता उलता है। और ये अक्सर ना तार वगैरह पाँव में इस तरह लग लुक जाए तो ये बिल्कुल उतरने वाला हो जाता है, फसल में अटका सा होता है बस, तो थोड़ा सा इसको मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है। और इसमें फ्यूज़ नहीं है, इसके वाले स्विचेज में फ्यूज़ नहीं आ रहा। इसके कंपेरिजन अगर हम दूसरे स्विचेज देखें जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले स्विचेज जो होते हैं 3 प्लग वाले स्विचेज होते हैं, ये ज़्यादा एक यूज़फुल स्विचेज है, क्योंकि इसमें फ्यूज़ वगैरह आता है और उसमें फ्यूज़ नहीं आया। तो ये 3 प्लग वाला जब लगता है तो ये वाकई में एक ना अच्छी हमें चीज़ देता है। ये देखें 3 प्लग वाला जब लगेगा तो जाहिर सी बात है एक अच्छी ग्रिप दे रहा है, और एक बार अच्छी ना हमें चीज़ दे रहा है सेफ्टी के मामले में भी ना, काफ़ी हमें दे रहा है। और इसके बाद ना मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 प्लग वाले में और 3 प्लग वाले में क्या फ़र्क है। ये 3 प्लग वाला है जो लोकल लगा हुआ घर का, मतलब इधर से पाकिस्तान से लिया हुआ। तो इसकी मैं बात करूँगा ना, अगर तो इसमें क्या सीन है कि इसमें ये चार्ज ना यहाँ पे अटक गया हुआ है, ये मतलब निकलता नहीं है, इसको जितना मर्जी जोर लगाओ ना, ये देखें ये निकलता ही नहीं है। ये देखें इसके अंदर से आपको बात आ रही है शायद, ये
इसके इस मामले में ना काफ़ी मसले हैं। इसके साथ टोपला वाला भी आपको दे रहा है, लेकिन ये लोकल चीज़ है, तो मतलब कि इतनी कोई हमें ना अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है। इसको मैं आपको क्लियर कट में दिखा देता हूँ। क्लियर कट इसकी चीज़ हमें इधर मिल जाती है ज़रा, ये यहाँ पे ना हम ज़रा क्लियर कट मिल रहा सीन, ये इस तरह का। इसमें दो प्लग ऊपर है और तीन वाला नीचे है, तो लेकिन फिर भी ना ये लोकल चीज़ है, तो उस मामले में ना इतना वो नहीं है। और सेफ्टी के मामले में भी ना हमें ये हिलता उलता रहता है। ये थ्री प्लग वाला भी यहाँ पे ना हिलता है जिस तरह मैंने दिखाया, और अगर ना ही ले तो वो फिक्स ही हो जा रहा है। और वाटरप्रूफ के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ना ओपन है। इसको मैं आपसे पास से दिखाता हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर देखें बिल्कुल खाली है, मतलब कि कोई ना ब्लॉकेज नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होना है। इसके ऊपर वाले सॉकेट में भी प्लग मिल, बस ऊपर वाले सॉकेट में भी, नीचे वाले में भी, ये देखें बिल्कुल ना ओपन है, सीधा सीधा ना स्विच जा रहा है। और इसके कंपेरिजन में आपको मैं अगर दूसरा दिखा रहा हूँ ये वाला, तो इसमें आपको ब्लॉकेज मिल जाएगी। ये देखें आगे ना एक चिप्सी लगी हुई है छोटी छोटी सी, इस साइड पर भी उस साइड पर भी, जो कि इसको ना वाटर प्रूफिंग से बचाता है। जो कि मैं आपको अभी दूसरी एग्जाम्पल भी देता हूँ यहाँ पर, ये देखें स्विच ना इसके अंदर वो लगा हुआ है, आपको देखें खाली नहीं है उसका, वो देखें इसका ओपन है, सारा सिस्टम ओपन अंदर से नज़र आ रहा है, जो भी अंदर है इसका वो चीज़ नहीं है। तो उस मामले में ना ये एक अच्छी चीज़ है। वाटर प्रूफिंग की बात करता हूँ तो ये देखें घर बाहर से ना, मतलब बाहर का आपको मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ कि बाहर से सिस्टम, ये हमने घर के बाहर वाली साइड पे भी लगा रहे हैं। आजकल बारिशें भी हो रही हैं, तो उस मामले में ना ये देखें हमने यहाँ पे भी लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये वायर्स वगैरह यहाँ पे हम लोगों ने ये लगाए हुए हैं। यही वही ना उस तरह का थोड़ा सा पुराना मॉडल है, क्योंकि ये तकरीबन 10 साल पुराना है और अभी भी ये चलता है, अभी भी मतलब उसी तरह ये वर्क कर रहा है जिस तरह ये पहले करता है। ये देखें इसके ऊपर ना रेड वाला आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा था उसके ऊपर ऑन ऑफ वाला है, इसके ऊपर रेड वाला है, तो ये अभी भी चलता है। और इसके अंदर पानी की अगर बात करें तो पानी इधर गिरता है, इधर बारिश होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये इधर तो बिल्कुल बंद है इस तरह, लेकिन इधर जो इसकी ब्लॉकेज है वो बंद है। वर्क मैंने कंपैरिजन में दिखाई है कि उसकी ब्लॉकेज ओपन होती है, तो इधर भी हम लोगों ने लगाया हुआ है ये। उसके बाद ये देखें इसको मैं लगा के दिखाता हूँ, तो इसकी अभी भी ना ग्रिप वैसी ही है, ये देखें इसको हिलाना पड़ रहा है तो बिल्कुल। और ये देखें चार्जर की लाइट भी चल रही है, ये देखें मतलब अभी भी वर्क कर रहे हैं। 10 साल पुराना ये ऑलमोस्ट, जब से ये घर बना हुआ तब का ये लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखें लाइट भी चल रही है चार्जर की, तो ये आपको मैंने दिखा दिया, अभी भी चलता है। तो इधर भी हम लोगों ने और भी जगह पे लगाया हुआ है, यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाहर ना काफ़ी लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी देखें ये लगा हुआ है यही सेम चीज़, इसमें ये देखें ये ऑन ऑफ वाला है। तो काफ़ी ना हमने बाहर भी ये यूज़ कर रहे हैं, ताकि ज़रा हमें ना एक अच्छी सी चीज़। आप लोग हमेशा ना 3 प्लग वाला यूज़ करें, क्योंकि एक अच्छा प्लग है, UK में यही प्लग चल रहे हैं, क्योंकि ये सेफ्टी के मामले भी अच्छे हैं। हालांकि चार्जर हमें वो वाली जो दो प्लग वाली चीज़ है वो हमें ज़्यादा कॉमन मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये एक ज़्यादा ना हमें अच्छे और सेफ्टी के मामले में भी और हमारे चार्जर ख़राब होने के मामले में, ये अगर लगा हो तो चार्जर ख़राब होने के इतने चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये चार्जर हिलता नहीं है, बिल्कुल एक जगह फिक्स हो जाता है। तो उस मामले में ना ये एक अच्छी चीज़ है। यार अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगता कैसे है, इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। एक तो दो वायर्स इसमें लगनी है, सिंपल सी बात है, ये सिंगल वाला है, वो जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वो डबल है। एक इधर वायर लगनी है और एक जहाँ पे हमने येलो लगाई हुई है, सिंपल सी वायर, यहाँ पे दो वायर्स लगनी है, एक इधर, और इसको हमने वापस स्क्रू के साथ टाइट कर देना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप इसको खुद ना लगाएं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक वाला काम है तो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने बंदे को बुलाया हुआ जो कि मेरा दोस्त है हमजा, ये इलेक्ट्रिशियन का काम ही करता था, उसको मैंने स्पेशल बताया था कि यार ये लगाने हैं। और इस स्विच की मज़े की बात यह है कि ये देखें इसने अभी ऑन करके दिखा रहा है आपको कि ये चल गया, दोनों वायर्स बस लगाई है आराम से और वो ऑन हो गया। लेकिन फिर भी आप इसको खुद ना यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी इसके ना नुकसान वगैरह हो सकते हैं, कुछ कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और जहाँ से अगर वायर आपकी थोड़ी सी भी ना, उससे आपने छिलका वगैरह उसका उतारा ऊपर से ऊपर जो उसका होता है, तो उसको आप टेपिंग लाजमी करें, क्योंकि टेपिंग करेंगे तो वो एक सही रहेगी, बाद में उनको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। तो हमजा भाई पे भी टेपिंग कर लें, हमजा भाई कह रहे थे मेरी वीडियो नहीं लेके आनी, उसके बावजूद मैं थोड़ा बहुत इसमें लेके आ गया हूँ, ये तो वीडियो नहीं बनाने दे रहा मैंने, फिर भी मैं कह रहा चलो कुछ नहीं होता। और ये हमजा भाई ही बता रहा था कि ये वाले जो स्विच हैं ये काफ़ी एक अच्छे स्विच हैं कंपेरिजन अगर दूसरों के मुकाबले में देखा जाए तो। और दूसरा इसके अंदर जो ये लगा हुआ ना, इसके जिसको जिसके अंदर स्विच को बंद करना है, जिसके अंदर से वायर निकल रही है, इसको देखोगे ना आप तो इसमें क्या सीन है कि ये लोहे का लगा हुआ है, ये पाकिस्तान में हमें प्लास्टिक के मिलते हैं, तो ये लोहे का लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि प्लास्टिक वाले ना जल्दी टूट जाते हैं, तो वो ज़्यादा टाइट करें फिर वो जल्दी टूट जाते हैं। हम तो ये सारी चीज़ें बता रहा था कि मैं हम जाके आपको सुना देता हूँ थोड़ी बहुत कहानी, क्योंकि वो बोलता तो है नहीं। और इसका एक फायदा ये कि आप इसको जिस मर्जी साइड को लगा सकते हो, मतलब आपने इधर को लगाना इधर को लगा लो, आपने इसको चारों साइडों से ना आपको मतलब इस तरह भी लगा सकते हो, आप इसको उल्टा घुमा के भी आप चारों साइडों से इसको लगा सकते हो। जो प्लास्टिक वाला है उसको सिर्फ आप दो साइड से लगा सकते हो, सिर्फ एक सिंपल की तरह इसको आप जैसे मर्जी उल्टा सीधा करके वैसे मतलब जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हो, तो काफ़ी इजी है इसको लगाना। लेकिन फिर भी आप इसको खुद ना लगाएं, कोई इलेक्ट्रिशियन टाइप वगैरह बुला के फिर ही लगाएं, फिर अच्छा सीन रहता है, सेफ्टी पहले अपनी स्विच बाद में आता है।
नहीं भाई खराब नहीं होंगे लोहे साढ़े जो पाकिस्तानी हैं प्लास्टिक टूट जाते हैं टायर को क्या बात है क्या बात है क्या बात है तो यार इसकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि क्या सिस्टम है इस वाले में और तो दो प्लग वाला है सॉकेट है उसमें और थ्री प्लग वाला सॉकेट में ये काफ़ी एक ना एक सेफ्टी के मामले में भी अच्छी है और दूसरी अगर इसमें चीज़ देखी जाए कि जो सेफ्टी तो अपनी सेफ्टी की और दूसरा अगर चार्जर की जो इसमें आप जो भी आप इसमें प्लग लगा रहे हैं उसके मामले में एक अच्छी चीज़ है तो इसको आप लोग यूज़ करें मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ यूज़ करिए आप घरों में क्योंकि एक ही दफ़ा ये चीज़ लगनी होती है सॉकेट टाइप लेकिन अगर आप इस तरह की सॉकेट लगाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी सॉकेट और अच्छी इसी को इसमें आपको अच्छी इससे भी अच्छी मिल सकती है लेकिन इसी की अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल बताई है कि इसके जो लोकल मिल रही है उसमें क्या मसले आ रहे हैं वो निकल नहीं रहा चार्जर बाहर ना बिल्कुल ही निकल रहा तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए लगाते लगाते क्योंकि एक ही दफ़ा लगानी होती हैं तो अच्छी लगाएं सेफ्टी के मामले में भी और जो इसमें प्लग कर रहे हैं उसकी सेफ्टी भी जो कि आपको देखनी चाहिए तो काफ़ी तो आज की वीडियो यहाँ पे ही हम लोग ख़त्म करते हैं उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होनी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में इसका मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ इसका मैंने कनेक्शन भी आपको करके दिखाया इसकी मैंने आपको हर चीज़ दिखाई है जो उसमें है उसकी वाटर प्रूफ की डिस्टेंस भी मैंने आपको बताई है कि क्यों वाटर प्रूफ है क्योंकि इसके अंदर ब्लॉकेज है उसके अंदर दूसरे बार जो लोकल मिलते हैं उन नहीं मिलती हमें तो हर मामले में अगर उसके साथ हम कंपैरिजन करें इसको थ्री के थ्री वाले प्लग के साथ थ्री वाले सॉकेट के साथ अगर हम इसको कंपैरिजन करें उस मामले में ये अच्छा है अगर हम इसको टू वाले के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस मामले में भी ये एक अच्छी चीज़ है तो आप इसको यूज़ करें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी सेफ्टी पहले है चार्जर की सेफ्टी बाद में तो मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में एक न्यू प्रोडक्ट के साथ तब तक के लिए गुड बाय।